अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक विद पैशन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट की तरह सिरके वाली प्याज बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। रेस्टोरेंट में मिलने वाली प्याज सभी को बहुत पसंद होती है, तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी से। तो आप एक बार इस तरह से सिरके वाली प्याज बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इसको आप दाल, पूड़ी, सब्ज़ी किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है एक पैन में, और इसमें 5 लौंग डाल दी हैं। साथ ही इसमें 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, और इसमें 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, और 2 टीस्पून इसमें शक्कर भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक बॉयल आने तक खौलाएंगे। जब इसमें ये देखिए बॉयल आने लगा, तो मैंने इसमें आधी कटी हुई चुकंदर ऐड कर दिया है। इसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया चौकोर। आप जैसे पीसेस चाहें वैसे शेप में इसको कट करके इसमें डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है प्याज का, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी भी लगती है साथ ही। अब ये देखिए इसमें बॉयल आने लगा है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको 1-2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही खौलाएंगे, और हमारा ये पानी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसकी गैस को बंद कर दिया है। अब इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, तब हम इसको यूज़ करेंगे। तब तक हम अपनी प्याज रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 16 छोटी साइज़ की प्याज ली हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, और उनको अच्छे से छील कर मैंने धोकर सुखा लिया है। अब इनमें हमें कट लगाना है बीच में, इस तरह से प्लस का साइन बनाते हुए। पूरा लास्ट तक नहीं काटेंगे, बस बीच में इस तरह से चीरा लगा देना है, ताकि अंदर तक पूरा पानी एब्जॉर्ब हो सके इसका। इसी तरह से हम सभी प्याज में कट लगा लेंगे बीच में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो देखिए हमारी प्याज कट के रेडी हो गई है। तो अब हम इसी तरह से, मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं, इनमें बीच में इसमें भी चीरा लगा देंगे इस तरह से। सभी 5ों हरी मिर्च को इस तरह से बीच में चीरा लगा देंगे। हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको छील लिया अच्छे से धोकर, और इसको भी हम ऐसे लंबे लंबे जूलियंस में काट लेंगे। जैसा चाहें आप वैसा काट सकते हैं, आप इसको गोल भी काट के डाल सकते हैं अदरक को। अदरक और हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब सब चीज़ कट के रेडी हो गई है, तो हम इसको एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, सभी चीज़ों को डाल लेंगे। और इस जार को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है, और जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और अदरक डाल दी है। हमारा पानी भी अब बिल्कुल ठंडा हो गया है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हम इसको इसी में डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हम इसमें 1 कप सफ़ेद सिरका या विनेगर डाल देंगे, और इसका ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे। बाहर नहीं रखना है इसको, हमें फ्रिज में ही रखना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी इसको 24 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, तब ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। अब देखिए 24 घंटे हो गए हैं, हमारी सिरके वाली प्याज बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है प्याज पर। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए सभी प्याज में बहुत अच्छा कलर आया है। एक बार आप इस तरह से सिरके वाली प्याज बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आप जब सभी प्याज यूज़ कर लें, तो आप इसी पानी में और प्याज भी डाल सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रख कर 10 से 12 दिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।